मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई है टीचिंग से रिलेटेड, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी में। जिनको फिल करने की जो स्टार्ट डेट है वो आप देख सकते हो 1 अगस्त से है, और जो क्लोजिंग डेट है वो आपकी 31 अगस्त है। मतलब 1 अगस्त से आप 31 अगस्त तक इसको ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना है इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर, और जो लास्ट डेट है आपकी वहाँ पे जो भी आपका प्रिंट आउट होगा जब आप इसको फॉर्म को ऑनलाइन भरोगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं उनको अटैच करके जो हार्ड कॉपी भेजने की जो लास्ट डेट है वहाँ पे पहुँचने की यूनिवर्सिटी में, वो आपकी 9 सितंबर है। तो ये आपकी डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। और इसमें जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, सबसे पहले जो है स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हैदराबाद एंड कॉलेज ऑफ टीचिंग एजुकेशन, इसमें एक पोस्ट निकली है प्रोफेसर की। प्रोफेसर की पोस्ट निकली है एजुकेशन में, 3 पोस्ट हैं, 1 SC कैटेगरी में और 2 ST कैटेगरी में। दूसरे नंबर पे जो पोस्ट हैं वो डिपार्टमेंट है जो स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंस एंड स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एंड इंडोलॉजी। ये जो स्कूल है यहाँ पर जो है आपकी प्रोफेसर, इसमें वुमेन एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर ही आपकी जूलॉजी, बॉटनी, लॉ, बी वॉक और कंपैरेटिव स्टडीज़ में निकली है। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है आप देख सकते हो फिज़िक्स, जूलॉजी, बी वॉक, लिंग्विस्टिक में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकली है लॉ में। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज पोस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन में भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है आपकी, प्रोफेसर कम डायरेक्टर डिस्टेंस एजुकेशन में, प्रोफेसर डिस्टेंस एजुकेशन, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री में और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन में निकली है। जबकि जो सेंटर्स हैं इनके वहाँ पे आपकी प्रोफेसर, प्रोफेसर कम डायरेक्टर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर कम असिस्टेंट डायरेक्टर, ये पोस्ट निकली हैं आपके। ये सेंटर्स हैं और ये कैटेगरी है जिसमें ये पोस्ट निकली है। इसके अलावा पॉलीटेक्निक की पोस्ट भी निकली हैं आपकी, जो हैदराबाद, बेंगलुरु, दरभंगा, कदापा, आंध्र प्रदेश और कटक में है। ठीक है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की पोस्ट निकली है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में लेक्चरर की पोस्ट है और इंग्लिश में भी लेक्चरर की पोस्ट निकली है। ये कैटेगरी है जहाँ जहाँ पर पोस्ट निकली है, तो आपको ये चेक कर लेना है। सबसे पहले इसका पे स्केल इन्होंने दिया है सबका, कि प्रोफेसर कैटेगरी, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर का क्या है, और इसमें है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ये आपको ज़रूर देखनी है आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, आपको इसको चेक करना है सारी कैटेगरीज़ के लिए। प्रोफेसर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ये आपको आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपकी है, आप जिस भी सब्जेक्ट में भरना चाहते हो उसमें आपको ये देखना है। ठीक है, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं। और फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक बार जनरल इन्फॉर्मेशन भी गो थ्रू हो जाना है, कि एज रिलैक्सेशन किस टाइप से दिया हुआ है, या जो भी आपको मार्क्स में कोई है रिलैक्सेशन या जो भी है आपका, वो आपको ज़रूर चेक करना है। ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो यहाँ पर मेंशन है, इन जो भी ये आपका रहेगा। ठीक है, जो आपकी क्वालिफिकेशंस रहेंगी उन्होंने लिखा है वो कब, वो आपका 31 अगस्त तक आपके कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उस तक आप जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसको आप फुलफ़िल करते हो। मान लो आपको PhD मांगा है, MSc PhD नेट मांगा है, तो 31 अगस्त तक वो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है आपको हमने बता दिया है कि ऑनलाइन ही ये फॉर्म भरा जाएगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है curec.samarth.ac.in, यहाँ पे भर सकते हो। और इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है manuu.edu.in पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और जो रजिस्ट्रेशन फीस है सारी पोस्ट के लिए ₹500 है, जो ऑनलाइन ही आपको भरना है। जो SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं है। ऑनलाइन भी आपको फॉर्म भरना है, और फॉर्म भर के जो आपकी हार्ड कॉपी निकलेगी उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको अटैच करके उसको भेजना है इस एड्रेस पे,
और ये वहाँ इस एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए कब तक आपका, 9 सितंबर तक, ठीक है। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखनी है। और लास्ट डेट हमने बता ही दी है आपको ऑनलाइन फिल करने की, 31 अगस्त है। तो फॉर्म भरने से पहले आप एक बार अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा, जो भी आपका रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट है उसमें जो रिक्वायर्ड है। थैंक यू सो मच।